दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। फिलहाल ये सोनपुर मेला का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग सोनपुर मेला में किस तरह की तैयारियां इस पर हो रही है उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सोनपुर मेला में जितने भी थिएटर बनाए जाएंगे उन सब की तैयारियां किस तरह से हो रही है और क्या इस बार आकर्षक होने वाला है सोनपुर मेला में थिएटर को लेकर, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल मेरे पीछे देख रहे हैं पायल, एक नज़र, थिएटर का तैयारी कुछ इस तरह से चल रहा है जो आने वाला समय में आपको काफ़ी आकर्षक का केंद्र बनने वाला है। फिलहाल देख लीजिए, आइए आपको पास से दिखाते हैं कि यहाँ का तैयारी किस तरह से पायल एक नज़र थिएटर का है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलता है सोनपुर मेला में। ये रहा इसकी तैयारियाँ, जोरों शोरों से अब बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और पिछले साल हमने आपको सारे अपडेट दिए थे, फिलहाल इस तरह से तैयारियाँ जोरों शोरों से आप देख रहे हैं, तो देख लीजिए एकदम बढ़िया से बनेगा। शानदार होने वाला है गाइस, इस बार मज़ा आ जाएगा सोनपुर मेला में। थिएटर का नज़ारा देख रहे हैं आप, देख लीजिए सारा पेंट का कार्य हो रहा है। और यह थिएटर गज चौक, गज चौक के बगल में ही लगाया जाता है, यानी मेन सड़क के किनारे ही इस थिएटर को आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए, तो ये रहा पायल एक नज़र थिएटर का शानदार अपडेट दोस्तों। इस तरह से तैयारी चल रही है, सारे चीज़ यहाँ पे आप सभी के लिए तैयारी काफ़ी शानदार और काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। वाह गाइस, काफ़ी सुंदरत, बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी लोग कर रहे हैं। यही सामने आपको रशियन से लेकर चाइनीज से लेकर अनेकों प्रकार के यहाँ पे कलाकार आपको परफॉर्मेंस देंगे। सामने यही स्टेज है पायल एक नज़र थिएटर का, और ये आगे रहता है VIP। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी करके यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ और चेयर अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें आपको 500 से लेकर 1500 तक का टिकट यहाँ पे होता है। सोनपुर मेला में यहाँ से आगे चलते हैं और आगे और भी बहुत सारे थिएटर लगते हैं, उन सभी थिएटर को आपको दिखाने वाले हैं। ये सड़क हरिहरनाथ मंदिर के तरफ जाता है और गंडक नदी के तट के तरफ जाता है, और इसी सड़क के किनारे आपको सम्राट थिएटर, शोभा सम्राट, इंडिया थिएटर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इससे पहले हमने पायल एक नज़र थिएटर का अपडेट दिया, इसमें देखिए कि आपको बताते हैं इंडिया थिएटर और शोभा सम्राट थिएटर की तैयारियाँ। फिलहाल ये मेरे पीछे ग्राउंड जो दिख रहा है यही है शोभा सम्राट और इंडिया थिएटर के एरिया, जहाँ पे उसका पंडाल लगाया जाता है। फिलहाल तो उस सब को दिख नहीं रहा हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्य काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे नाला का कार्य हुआ है, इससे पहले नाला नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी इधर उधर हो गया है जगह, तो उसी को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सामने ये जो पंडाल है ये शोभा सम्राट थिएटर का पंडाल है, और यह है इंडिया थिएटर का पंडाल। इस तरह से एक और पंडाल, तीन पंडाल यहाँ पर लगाए जाते थे थिएटर का, वो तीनों का कार्य यहाँ पे जारी है जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। ये रहा थिएटर का अपडेट, कुछ इस तरह से थिएटर यहाँ पे लगेंगे। ओवरऑल बताया जाए तो आपको थिएटर इस बार भी आपको देखने को काफ़ी शानदार तरीके से मिलेंगे, जिसके लिए कार्य काफ़ी, सामने स्टेज आपको दिख रहा होगा, वो सामने वो ईंट से जो बढ़ रहा है वही स्टेज होता है, जिस पर आपको सैकड़ों की संख्या में डांसर आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग देशों से आकर, अलग अलग राज्यों के आकर यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। फिलहाल ये रहा थिएटर का अपडेट।
और इसके बाद एक और थिएटर उस तरफ लगता है, तो पायल एक नज़र थिएटर के बाद। तो दोस्तों ये थिएटर का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर साल की तरह इस बार भी थिएटर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे, और इसका फाइनल अपडेट हम लेकर एक और वीडियो में आएंगे आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और आगे। और दोस्तों सोनपुर मेला जितना ही दुनिया में फेमस है, उससे ज़्यादा कहीं सोनपुर मेला का थिएटर फेमस है। हर साल थिएटर में न जाने लाखों की संख्या में लोग आते हैं स्पेशल थिएटर को देखने। और सोनपुर मेला में करीब पूरे सोनपुर मेला में 5 से 7 थिएटर लगाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े पंडाल लगाया जाता है, और करीब सैकड़ों की संख्या में एक साथ डांसर आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देती हैं, जिससे लोगों का काफ़ी मनोरंजन होता है दोस्तों। और यहाँ अलग अलग नाम से थिएटर लगाए जाते हैं दोस्तों, जिसका प्राइस भी अलग अलग होता है। आपको हो 200 रुपया से लेकर 800, 1000, 1500 तक यहाँ पे प्राइस चल जाता है। कभी कभी तो ये प्राइस आपको 55,000 तक ब्लैक में मिलता है दोस्तों, क्योंकि लोग जाते हैं और सोचते हैं कि उसी दिन हम देख लें, लेकिन उन्हें टिकट अवेलेबल नहीं होता है, भगदड़ का माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से लोग ब्लैक में टिकट ले लेते हैं और ये टिकट उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर आप भी देखना चाहते हैं सोनपुर मेला का बेहतरीन थिएटर का नज़ारा लेना चाहते हैं, तो इस बार ज़रूर आइएगा। उसकी तैयारी सोनपुर मेला में जारी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पल पल का सोनपुर मेला से अपडेट इस चैनल के माध्यम से पिछले कई सालों से हम देते आ रहे हैं, आगे भी मिलते रहेगा। फिलहाल ये सोनपुर मेला का थिएटर है, जो पिछले साल इस तरह से आपको मनोरंजन किया गया था। इस थिएटर के माध्यम से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लड़कियाँ आई हैं और मनोरंजन कर रही हैं। अलग अलग हिंदी, भोजपुरी और ना जाने अलग अलग प्रकार के गानों पर यहाँ पे डांस किया जाता है, और लोग काफ़ी इंजॉय और काफ़ी मस्ती करते हैं दोस्तों। फिलहाल इस तरह से सोनपुर मेला का अपडेट है। और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, ताकि सोनपुर मेला का हर अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे दोस्तों। और आप आकर घूम सकते हैं, 13 तारीख से यानी 13 नवंबर से सोनपुर मेला का आगाज होने जा रहा है, और सोनपुर मेला में 13 तारीख से गूंजेगा दोस्तों ऑर्केस्ट्रा का साउंड। तो आप भी अगर चाहते हैं इस सोनपुर मेला में आकर आनंद लेना, तो ज़रूर आइएगा। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ इस तरह का अपडेट आपको अवेलेबल कराते रहते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में बताइएगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अवेलेबल कराया था, और इसके बाद भी सोनपुर मेला का और भी तैयारियां, जैसे मेला हो गया, जानवरों का मेला लग रहा है, झूला, बाजार, सब भी का वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।